झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड के बारे में आपको पता ही होगा। पिछले बुधवार से शुरू हुई रेड आज यानी मंगलवार को सातवें दिन खत्म हो गई। इन सात दिनों की रेड में 354 करोड़ रुपए तो कैश ही जब्त किया गया। सोचने वाली बात है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी रेड में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई। इसीलिए एक साथ इतना सारा कैश मिलने से सांसद धीरज प्रसाद साहू पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने इतना कैश क्यों छिपाकर रखा था, इस कैश का सोर्स क्या था। इस पर धीरज साहू, उनके परिवार या उनकी कंपनी के किसी भी अधिकारी का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। क्योंकि धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं, इसीलिए सवाल तो पार्टी पर भी उठेंगे कि उनके सांसद इतनी नकदी कहां से लाए और पार्टी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस की तरफ से धीरज साहू से नकदी को लेकर जवाब तो मांगा गया है, लेकिन अब तक उन्हें पार्टी से बाहर नहीं किया गया है। इसीलिए बीजेपी ने इसे कांग्रेस का करप्शन बताया है। कांग्रेस से सवाल किए हैं कि उनकी पार्टी के सांसद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उस पर कांग्रेस नेता कोई बयान क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को अब सही बताया जा रहा है। राहुल गांधी भी धीरज साहू को लेकर पूछे जाने वाले सवालों पर चुप्पी साध जाते हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्यों कांग्रेस अपने सांसद से बरामद हुई ब्लैक मनी पर खामोश है, जबकि सात दिन की रेड में जितना कुछ मिला है उससे हर कोई हैरान है। सात दिन में आईटी ने धीरज साहू के तीन राज्यों के करीब 30 ठिकानों पर रेड की। रेड की 9 टीम में कुल 80 लोग शामिल थे जिन्होंने 24 घंटे काम किया। इस दौरान रेड में आईटी विभाग ने 354 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। प्राइवेट बैंक के 3 लॉकर से सोने के 40 बिस्किट्स को जब्त किया। हीरे जड़े हुए 3 किलो सोने के जेवर और कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स भी मिले। हालांकि सोने के बिस्किट्स और जेवर के वजन को लेकर इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीते बुधवार को धीरज साहू के ठिकानों पर रेड टैक्स में गड़बड़ी की वजह से की थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होगी इसका अंदाजा आईटी अफसरों को भी नहीं था। इस मामले पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। उनका कहना है कि धीरज साहू से 354 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद होना धीरज साहू और जांच एजेंसी का निजी मामला है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ब्लैक मनी किसी एक पार्टी या फिर व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ब्लैक मनी देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मामला है। इसलिए सांसद के पास से मिले करोड़ों रुपए की नकदी के मामले को निजी बताकर कांग्रेस अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। धीरज साहू चूंकि कांग्रेस के एमपी हैं तो हमने उनसे कहा आप एक्सप्लेन करिए ये पैसा आपके पास कहां से आया। ये उनका व्यक्तिगत बड़ा व्यापार है उनका, तो वो एक्सप्लेन करें। ये उनके और एजेंसी के बीच का निहायत व्यक्तिगत मामला है, इससे पार्टी का लेना देना है। और लेने देना है तो जरा बता दो भाई। कांग्रेस अपने सांसद धीरज साहू से बरामद हुए कैश से खुद को अलग कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने धीरज साहू का निजी मामला बता दिया है। लेकिन धीरज साहू कोई नए नवेले कांग्रेसी नेता नहीं है जिससे कांग्रेस पार्टी अपना पीछा छुड़ा ले। अकेले धीरज साहू नहीं बल्कि साहू परिवार खानदानी कांग्रेसी रहा है। रांची में जन्मे धीरज साहू रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। धीरज साहू की राहुल गांधी के साथ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धीरज साहू को देखा जा सकता है। धीरज साहू ने वर्ष 1977 में राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस से की थी, तब वो यूथ कांग्रेस से जुड़े थे, फिर कई अहम पदों पर जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2009 में धीरज साहू कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद बने। इसके बाद वर्ष 2010 और फिर वर्ष 2018 में तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे। ऐसे में जब कांग्रेस सांसद भ्रष्टाचार के मामले में घिर गए, उनसे 354 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिली है, तब कैसे कांग्रेस खुद को अलग कर सकती है, जबकि धीरज साहू ही नहीं बल्कि उनके परिवार का कांग्रेस से पुराना रिश्ता रहा है। धीरज साहू कुल 5 भाई हैं, जिनमें से 4 भाई राजनीति में जुड़े हैं। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू रांची से सांसद रह चुके हैं। शिव प्रसाद साहू को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का करीबी माना जाता था।
इंदिरा गांधी और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का साहू परिवार में आना जाना था। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व पीएम इंदिरा गांधी साहू परिवार में रुकती थी। लोहर दगा और आसपास के जिलों में कांग्रेस की चुनावी राजनीति में साहू परिवार की अहम भूमिका रहती थी। एक जमाने में सांसद विधायक के चुनाव के लिए टिकट साहू परिवार की सिफारिश पर तय होते थे। ऐसे में खानदानी कांग्रेसी नेता और सांसद की ब्लैक मनी से कांग्रेस कैसे आसानी से पीछा छुड़ा सकती है? शायद यही वजह है कि धीरज साहू से बरामद हुई नकदी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तंज कसते हुए वेब सीरीज मनी हाइस्ट का जिक्र किया और लिखा कि भारत में मनी हाइस्ट जैसी काल्पनिक सीरीज की क्या जरूरत है जब आपके पास कांग्रेस है। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस की चोरियां 70 साल से प्रसिद्ध है। बीजेपी धीरज साहू को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस मामले से खुद को दूर ही रखना चाहती है। कांग्रेस का आपने देखा होगा वो सांसद धीरज साहू और राहुल गांधी हाथ मिला के कंधे से कंधे मिला करके कैसे चल रहे हैं और कैसे उसको लगातार सांसद बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे का कहानी तो वैसे ही अब सबको समझ में आ रहा है। इसलिए कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है और आज जो इतना पैसा लूटने का जो सामने में सिलसिला उजागर हुए हैं तो कांग्रेस और साथी चुप है, मौन रखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी का नाम ही करप्शन पार्टी होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही करप्शन का जड़ है।